क्वेश्चन क्वेश्चन मैंने आपको लिखा इफ कोफिशंट इफ कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कॉन्स्टेंट टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमिल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर एग्जैक्टली इक्वल आर एग्जैक्टली इक्वल या वो बोलेगा आर सेम या वो बोलेगा आर इक्वल कुछ भी बोल सकता है एग्जैक्टली इक्वल आर सेम आर इक्वल कुछ भी बोल देगा है ना देन हाँ आगे आगे उसने बोला एंड एंड वन ऑफ इट्स जीरो इज is 2 by root 3 then the other zero is option option number a is root 3 by 2 option b is minus root 3 by 2 option c is minus 2 by root 3 and option d is none यस yes, ऑप्शन है आया कि नहीं आया उस हाँ उसने बोला कि भाई कोई क्वाड्रेटिक पॉलमिल है जिसका कोफिशियंट हाँ जिसका कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया ए है ना एंड टर्म ये आपस में क्या है इक्वल है तो ये आपस में अगर इक्वल है तो उसने बोला आ, कि यस और बोला एक जीरो टू बाय रूट थ्री तो दूसरा जीरो इसी का रेसिपोकल तो होगा तो टू का रेसिपोकल करेंगे तो क्या रूट थ्री बाय टू ही तो आएगा इसको रेसिपोकल कर दो तो बस रूट थ्री बाय टू कोई डाउट है बताइए और मान लो यहीं पर कहता अगर ऐसा कि एक जीरो कितना है माइनस टू बाई रूट थ्री तब हम किस पे टिक लगाते हैं सेकेंड जीरो कितना हो जाएगा माइनस माइनस मत भूल जाना कोई डाउट है बताओ सेकेंड जीरो माइनस रूट थ्री बाई टू हो जाएगा तो ये आपका एक टॉपिक यहाँ पर कवर मैंने कर दिया ठीक है इस बात का आप ध्यान रखिएगा अपने आप में एक टॉपिक होता है जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं वो अपने आप में एक टॉपिक होते हैं करेक्ट चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ